emotional disorders. when we are talking about the emotional disorders, we are talking about the emotional problems which are actually manifested in the internalizing behavioral problems. when we are saying interna internalizing behavioral problems, that means that the children are manifest these behavioral problems inwardly. Uh, isko aap sakte ho, the children are actually feeling stress.

तो वो ऑब्ज़र्वेबल नहीं होंगी बाय अदर्स रादर वो ये सारी फीलिंग्स अपने अंदर रखेगा इसलिए इनको इमोशनल प्रॉब्लम्स uh, कहा जाता है और इनको इंटरनालाइजिंग बिहेवियरल प्रॉब्लम्स कहा जाता है ये प्रॉब्लम्स जो हैं बेसिकली किसी भी बच्चे की साइकोलॉजिकल इन्वायरमेंट को इफ़ेक्ट करती हैं लेकिन जब हम ये कहते हैं कि ये इनवर्डली बच्चे को इफ़ेक्ट कर रही हैं या उसके साइकोलॉजिकल इन्वायरमेंट को इफ़ेक्ट कर रही हैं तो दैट डज़ नॉट मीन कि उसका जो आउटर इन्वायरमेंट है वो उससे इफ़ेक्ट नहीं होता वो किसी हद तक हो सकता है क्योंकि बच्चे की जो सैडनेस है वो डेफ़िनेटली अगर बच्चा खामोशी से घर में बैठा हुआ है तो उसके पेरेंट्स उसके जो फ्रेंड्स हैं या जो उसके सिबलिंग्स हैं वो उससे किसी हद तक इफ़ेक्ट होंगे लेकिन ये उस तरह इफ़ेक्ट नहीं होंगे जिस तरह एक्सटर्नलाइजिंग बिहेवियर में प्रॉब्लम होता है कि जहाँ बच्चे का बिहेवियर जो है वो दूसरे पीयर को या उसके फैमिली मेम्बर को बेसिकली डिस्टर्ब कर रहा होता है तो यहाँ पर बच्चे का अपना साइकोलॉजिकल इन्वायरमेंट जो है वो डिस्टर्ब हो रहा होता है और उसकी वजह से इमोशनल डिसऑर्डर्स में जो प्रॉब्लम्स हम क्लासिफाई करते हैं वो एन्ज़ाइटी डिप्रेशन ईटिंग डिसऑर्डर्स वगैरह हैं अब व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द एन्जाइटी डिसऑर्डर तो इसका मतलब ये है कि बच्चे को माइट बी बच्चा जो है वो कोई फोबिया एक्सपीरियंस कर रहा हो वो किसी चीज़ से डर रहा हो और वो जो फियर है ऑफ एनी थिंग वो उसके एग्जिबिट होगा बिहेवियर से जिसमें अवॉइडेंस और इसकेप ऑफ सर्टन सिचुएशन हो सकती है इसी तरह अगर बच्चे को इन्जाइटी हो रही है तो आ, बच्चा रेस्टलेस फील करेगा आ, उसकी जो डिफरेंट किस्म की पेन एंड एकस हैं वो स्टार्ट हो जाएंगी उसका स्टमक अपसेट हो सकता है उसको स्वेटिंग हो सकती है तो ये जो सारी मैनिफेस्टेशन ऑफ सिम्टम्स हैं वो उसको बॉडीली भी मैनीफेस्ट uh, होंगी तो ये जो सारा कुछ है ये उसकी बॉडी के अंदर या उसके इंटरनल साइकोलॉजी के अंदर हो रहा है दैट्स वाई कि इमोशनल डिसऑर्डर्स uh, जो बेसिकली uh, uh, गॉच करते हैं वो करते हैं आपकी इंटरनल साइकोलॉजिकल स्टेट को इसी तरह जिस वक्त हम डिप्रेशन की बात करते हैं तो इसमें बच्चे का जो मूड है Uh, वो लो हो जाएगा और उसका क्राइंग बिहेवियर जो है वो डेवलप हो सकता है उसमें इरिटेबिलिटी आ सकती है इरिटेबिलिटी के साथ साथ वो लॉस ऑफ प्लेयर उसको जो है डिफरेंट एक्टिविटीज़ में हो जाएगा उसकी पर्सनल हाइजीन पुअर हो सकती है उसका वेट रिड्यूस हो सकता है और इन रेयर केसेस स्यूसाइडालिटी जो है वो बच्चे के अंदर ऑब्जर्व की जा सकती है यानी उसे ज़िंदगी अच्छी नहीं लगेगी उसे ज़िंदा रहना अच्छा नहीं लगेगा उसको हर चीज़ में प्लेयर जो है वो लॉस हो जाएगा इस सीसाइडलिटी के साथ साथ उसके अंदर हो सकता है कि आइडिएशन आ जाए प्लान आ जाए सुसाइडल सुसाइड का तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये जो कुछ भी हो रहा होगा ये उसकी इंटरनल स्टेट में हो रहा होगा इसलिए उसके जो इमोशंस हैं वो डिस्टर्ब हो रहे होंगे इस वजह से इसको क्लासीफाई किया जाता है अंडर द हेडिंग ऑफ इमोशनल डिसऑर्डर्स देन द ईटिंग डिसऑर्डर्स जब हम ईटिंग डिसऑर्डर्स की बात करते हैं तो दे आर टू टाइप्स ऑफ ईटिंग डिसऑर्डर बुलिमिया एंड द एनोरेक्सिया नर्वोसा तो ईटिंग डिसऑर्डर में जब बच्चा जो है एनोरेक्सिया नर्वोसा में जब वो रिफ्यूज़ करता है फॉर ईटिंग तो दैट इज़ रिलेटेड विद द सेल्फ इमेज बच्चा जो है वो अपने सेल्फ़ इमेज के साथ कंफर्टेबल नहीं होता और वो ये चाहता है कि उसका जो वेट है वो और लूज़ हो हालांकि वो ऑलरेडी बहुत हेन होता है तो लेकिन चूंकि वो साइकोलॉजिकली सैटिस्फाई नहीं हो रहा होता है इंटरनली सेटिस्फाई नहीं हो रहा होता इस वजह से वो बार बार खाना जो है उसको छोड़ता है और खाना खाने से इनकार कर देता है तो एनोरेक्सिया नर्वोसा में उनका वेट जो है वो डेंजरसली जो है वो लो हो जाता है यहाँ तक कि उन्हें हॉस्पिटलाइज कराना पड़ता है अब जैसे मैंने पहले एक बात की थी कि ये दो के इंटरनलाइजिंग बिहेवियर्स uh, होते हैं और इसके अंदर जो सारा कुछ हो रहा होता है वो बच्चे के अपने सेल्फ के अंदर या अपनी साइकोलॉजिकल स्टेट में हो रहा होता है बट इट डज़ नॉट मीन कि जो उसका इन्वायरमेंट है वो इफ़ेक्ट नहीं हो रहा होता डेफिनेटली जब बच्चा हॉस्पिटलाइज होगा तो उसके पेरेंट्स उसके सिबलिंग्स दे ऑल गेट इफेक्टेड बट दे आर नॉट एज अफेक्टेड एज बाय दो बिहेवियर विच हैज़ बीन डन बाय दोज चिल्ड्रेन हु एक्सप्रेस देयर एक्सटर्नलाइजिंग बिहेवियर बिहेवरल डिसऑर्डर्स सो इस तरह के जो प्रॉब्लम्स हैं uh, जिसमें बच्चा अपनी साइकोलॉजिकल स्टेट को जो है इफ़ेक्ट करता है उनको हम इमोशनल डिसऑर्डर्स के अंदर क्लासीफाई करते हैं थैंक यू